समाज सेवी हरिशंकर जी को दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धा से याद किया गया। महाराजगंज के प्रख्यात समाज सेवी हरिशंकर प्रसाद की आज श्रद्धांजलि देकर उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर याद कर सभी लोग भाव विभोर हो गए। महाराजगंज के प्रख्यात समाज सेवी हरिशंकर प्रसाद की आज श्रद्धांजलि देकर उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर याद कर सभी लोग भाव विभोर हो गए। उनके जीवन काल में किए गए सामाजिक कार्यों को लेकर याद कर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। वहीं समाज सेवी हरिशंकर प्रसाद 15 वर्षों तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और साथ ही 10 साल तक अधिसूचित क्षेत्र समिति के अध्यक्ष रहे। नगर पंचायत के गठन के पहले समाज सेवी हरिशंकर जी के तेलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई और उनको याद भी किया गया और साथ ही उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। शहर के पत्रकार नगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। सैकड़ों लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वक्ताओं ने दिवंगत के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। आज समाज सेवी हरिशंकर प्रसाद जी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इस पर दो शब्द साधा सुमन में क्या कहें? देखिए, हरिशंकर चाचा हम लोग के गार्जियन थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, समाज सेवी थे और महाराजगंज में बहुत ही विकास कार्यों को उन्होंने अपने कर कमलों से संपन्न किया है और उनकी आज श्रद्धांजलि पर हम उनको सरसत नमन करते हैं और साधा सुमन अर्पित करते हैं। समाज सेवी हरिशंकर प्रसाद जी का आज द्वितीय तिथि पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि सभा की है जी। आज बड़े दुख की बात है कि आज हम लोग व्यवसायी समाज के बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं, समाज सेवी श्री हरिशंकर प्रसाद जी जो हम लोग के अभिभावक हैं, उनके नहीं रहने का दुख तो है। उनके पुण्यतिथि पर हम लोग आज सभी लोग शामिल हुए हैं, उनको नमन करते हैं, उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं, सदम का आशीर्वाद बनाते हैं। आज समाज सेवी हरिशंकर प्रसाद द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है, दो शब्द श्रद्धा सुमन में क्या कहें? हम लोगों के अभिभावक हरिशंकर प्रसाद जी थे तेज और उनके हम लोग मार्गदर्शन में सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य और राजनीतिक कार्य उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग करते रहे। आज हम लोगों के बीच नहीं है लेकिन फिर भी उनके द्वारा दी गई शिक्षा संस्कार आज हम लोग समाज में उनके किए छोड़े गए कार्यों को हम लोग पूरा करने के लिए तत्पर हैं और उनकी मार्गदर्शन में दिए गए जो भी कार्य है उसका पूरा करना ही हम लोगों का लक्ष्य है और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हरिशंकर बाबू एक प्रसिद्ध समाज सेवी थे महाराज जी के और हमेशा सबके दुख सुख में साथ रहने वाले व्यक्ति थे और जब तक वो जीवित रहे लगातार लोगों के संपर्क में रहे और हर किसी के कार्य में वो आते थे। उनका मृदुभाषी होना और सरल स्वभाव होना ही उनका सबसे बड़ा व्यक्तित्व था। यही कारण है उनके नहीं रहने के बाद भी आज लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं।